हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं दिशांत राज। आप देख रहे हैं माँ का आशीर्वाद। हमारे तरफ से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आइए देखते हैं करवा चौथ कैसे मनाते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि सुहागिन करवा चौथ क्यों मनाती है और इसके पीछे की छोटी सी कहानी क्या है। पति के लंबी उम्र के लेके आता है, बच्चों के लंबी उम्र के लेके आता है। यह बहुत ही अच्छा पर्व है और सबसे सुहागिन के लिए। यह पर्व से भर दिन हम लोग सहते हैं, सुबह से रात तक, रात में पूजा करके करवा फेरते हैं। करवा फेरने के बाद चांद को अर्घ देते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और थोड़ा मन में भी अपना शांति रहता है कि हम पूजा पाठ किए। और ये व्रत बहुत ही फलदायक है अपने पति के लंबी उम्र के लिए, बच्चों के लंबी उम्र के लिए, सबके लिए है। इसके पीछे की छोटी सी कहानी बता दें। सात भाई की एक बहन, एक इकलौती बहन थी, जो सातों भाई अपने बहन को बहुत प्यार करते थे। तो उसकी बहन ने जब करवा चौथ का व्रत रखा था, सातों भाई जब रात में खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी बोलते हैं कि आओ तुम भी भोजन कर लो। उसकी बहन बोलती है कि नहीं, चांद निकलेगा तब मैं करूंगी। तो सातों भाई ने क्या किया, दूर जा करके आग का दीप जला करके और छलनी से दिखा करके बोला, लो बहन चांद निकल आया, अब तुम भोजन कर लो। तो उसकी बहन ने बोला कि अपनी भाभियों से बोला, चलो भाभी चांद निकल आया, तुम भी भोजन कर लो। तो उसकी भाभियों ने कहा कि नहीं, सो तुम्हारे भाई को तुम जानती नहीं, सो वो तुम्हारे से छल कर रहे हैं। लेकिन उसकी ननद ने उसका बात नहीं मान के वो भोजन कर ली। तो उसे भोजन करने के बाद ही उसके तुरंत बाद उसके पति बहुत ही बीमार हो गए और बहुत ही मतलब और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, उसे ठीक नहीं हो रहे थे। तब जाकर के उसने फिर जाकर जब चांद निकला तो उससे फिर माफी मांगी और अपना व्रत पूरा जारी रखने का जब प्रण किया, तब जाकर के उसके पति का तबीयत ठीक हो गया और तब से वो करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा के साथ करने लगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।